नवगछिया संजोर सुनीता देवी हत्याकांड में एसपी ने किया दावा, 24 घंटे के अंदर होगा मामले का खुलासा। नवगछिया के बिसाई टोला निवासी संजो देवी हत्याकांड में नवगछिया के एसपी स्वप्नाजी मिश्राम ने दावा किया है कि 24 घंटे के अंदर मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। गुरुवार को एसपी ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की पूरी जानकारी ली है। घटनास्थल पर एसपी ने पशु चिकित्सालय के कर्मियों और चिकित्सक से भी बातचीत की तो आसपास के लोग और सबसे पहले शव को देखने वाले चरवाहों से भी पूछताछ की गई है। नवगछिया एसपी ने बरामदगी के वक्त शव की स्थिति की भी जानकारी पुलिस पदाधिकारी से ली है। नवगछिया के एसपी ने बताया कि पुलिस इस घटना में बेहद करीब है और 24 घंटे के अंदर सब कुछ साफ होगा। इधर सूत्रों से जानकारी मिली है कि इस मामले में पुलिस ने भागलपुर के बरारी से आकाश नाम के युवक को हिरासत में लिया है। सूत्रों ने यह भी बताया कि आकाश के पास से संजो देवी का मोबाइल भी बरामद किया गया है। बात यह भी सामने आ रही है कि इस हत्याकांड में आकाश भी संलिप्त है। घटना के बाद उस युवक ने भागने के बजाय संजो देवी के घर पर ही रहा। फिलहाल पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। दूसरी तरफ नवगछिया के स्टेशन रोड निवासी रोमन कुमार और सिंटू कुमार भी पुलिस के रडार पर है। हत्या के कारण अवैध संबंध या पैसे के लेन देन के सवाल पर नवगछिया एसपी ने कहा कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का भी इंतजार है, 24 घंटे के अंदर पूरी कहानी सामने होगी। इधर गुरुवार को देर शाम मृतका के कई परिजनों को थाने पर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दूसरी तरफ जानकारी मिली है कि मृतका के पति किशोर पासवान बेंगलुरु से रवाना हो चुके हैं और वे शुक्रवार को नवगछिया पहुंचेंगे। आज तो हमने विजिट किया है, इंसिडेंट जैसे 30 तारीख को जो है वो इस घटना के बारे में जानकारी मिली, आज विजिट हुआ है मेरा। और यहाँ पे जो जो कर्मी उपस्थित थे उस समय या नॉर्मली ड्यूटी पे रहते हैं उनसे पूछताछ हुई है और कुछ इम्पोर्टेंट लीड्स ऑलरेडी हमारे पास आ गई हैं और बहुत जल्दी ही इसका खुलासा हो जाएगा। क्या लग रहा है मैम, किस तरह से घटना हुई होगी? मृत्यु तो जो है वो गला दबाने से प्रतीत होती है और अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो अवेटेड है और बाकी डिटेल्स भी उसी में आ जाएंगी। और इसमें हम ये बोल सकते हैं अभी कि हो सकता है विद इन 24 आवर्स जो है वो हम सारी डिटेल्स आपको डिस्क्लोज कर दें। अवैध संबंध की बात सामने आ रही है मैम, इसकी जाँच चल रही है, इस तरीके का काफ़ी सारा चीज़ बोला गया था, उसका भी जाँच चल रहा है। पुलिस केस में कहाँ तक पहुँची है मैम? मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट लीड्स हमको मिल गई है, 24 घंटे के भीतर हम एक बड़ा खुलासा करेंगे। कोई गिरफ्तारी मैम? हम मीडिया को आराम से ब्रीफ कर देंगे, जो भी रहेगा आपको शेयर कर देंगे। ठीक है, अब आपके शहर नवगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयां उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें, साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी, नवगछिया। संपर्क करें 9060127642, 9308708313। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट, घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया। नवगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787, 7325052437। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध हैं एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 7992499821।